जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने अपने पिता की संपत्ति को और बढ़ाया और हरम के महिलाओं की व्यापक छाट की मतलब वृद्ध हो चुकी महिलाओं को हटाकर सुंदर हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती लाकर वो अपने हरम को बदलाता था। कहते हैं कि उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की गई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां आश्रय देता था और अक्सर मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को दे दिया करता था। ये नर पुरुष यौवनाचार की तरफ इतना आकर्षित और उत्साहित था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था, जहां तक उसके महल में भी ये बाजार सजाया जाता था। इतिहासकारों की माने तो उनके हिसाब से यहां लगने वाले मीना बाजार यहां अगवा कर लाई गई सैकड़ों हिंदू महिलाओं क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए लड़कों की उपस्थिति शाहजहां के हवस के समाधान के लिए ही थी। इस राजा ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए मुमताज के पति की मृत्यु कर उसे जबरन उससे शादी की थी, जैसे कि न कि भारत में बल्कि पूरे दुनिया भी शाहजहां को प्यार की मिसाइल के रूप में पेश किया जाता रहा है। और किया भी क्यों ना जाए, सैकड़ों औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक में अपनी रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और, जिस शाहजहां और मुमताज के प्यार के पूरी दुनिया में इतनी ढींगे हो की जाती है, वो शाहजहां की न तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 पत्नियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा और उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की, यहां तक कि मुमताज के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखेल बनाकर रखा हुआ था। इससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था, तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी ही है कि अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्रेम था तो मुमताज से शादी के बाद ही शाहजहां ने और 3 शादियां क्यों की। आपको बता दें कि शाहजहां की 7 पत्नियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली पत्नी भी थी। इससे भी घिनौनी हरकत यह है कि मुमताज से शादी करते वक्त वो कोई कुंवारी लड़की नहीं थी बल्कि वो पहले से ही शादीशुदा थी और उसका पति शाहजहां के सेना में सूबेदार था जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने अफगान खान की हत्या कर मुमताज से जबरन शादी कर ली थी। 38 साल की मुमताज की मौत कोई बीमारी या फिर एक्सीडेंट नहीं था बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी से हुई थी, यानी कि शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं फैक्ट्री बनाकर मार्च डाला। डॉट शाहजहां में संभोग की भूख इतनी थी कि वह अपनी यौन भूख के लिए बहुत कुख्यात था, जिसके चलते ही कई इतिहासकारों ने उसे उसकी सगी बेटी जहरा के साथ संभोग करने का दोषी भी माना है, क्योंकि शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिखती थी। चूंकि जहरा अपनी माँ की तरह ही दिखती थी, इसीलिए मुमताज की मौत के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी के साथ में यौन संबंध बनाना शुरू कर दिया। इतिहासकारों की माने तो जहरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने उसका निकाह भी नहीं होने दिया। बाप बेटी के इस नाजायज प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इसे जायज ठहराने के लिए एक हदीज का उद्धरण दिया और कहा कि मालिकों द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का हक है। शाहजहां अपनी बेटी के साथ यौन क्रियाओं का इस कदर आदि हो गया था कि वो जहराना के किसी भी आशिक को भटकने भी नहीं देता था। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था, मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम यह होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ साथ रिश्तेदार यहां तक सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थी। जहरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। जहरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई की पत्नी से कई बार बलात्कार भी किया था। शाहजहां की राज ज्योतिष की 13 वर्षीय लड़की की जहरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर अपने बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने 58 वर्ष की उम्र में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने और खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। तो ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ऐसे वहसी और क्रूर व्यक्ति की कस्में खाकर लोग अपने प्यार को बेइज्जत नहीं करते हैं।
दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी इसलिए गढ़ी गई कि लोगों को गुमराह किया जा सके और खासकर हिंदुओं से छुपाए जा सके कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महाराज जयसिंह द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का मंदिर तेजोमहल शिव मंदिर है। आपको सुनकर शायद झटका लगे, इसको सिद्ध करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आज भी सुप्रीम कोर्ट में सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको यह वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, और ऐसी ही ताजी ताजी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।